ये लड़की अपने पीजी के बाहर मोबाइल पर बात कर रही थी और तभी एक युवक वहां पर आया। उसे मैं तो प्लीज गुस्सा छोड़ दे पर घर पे आ जाओ, पापा और मैं बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं पापा। यार गाइस, इस वीडियो को कहां से स्टार्टिंग करूं ना, मुझे कुछ भी जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा। बिंदास काफिया आप बेसिकली जानते होंगे, वो यूट्यूब पर रील्स वगैरह या फिर बोलोगे कि यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करती है और वो कल से घर से लापता है। गाइस, उनके मम्मी पापा जो है वो फाइनली इतना ज्यादा परेशान है। आप क्लिप देख लो। 2 बजे से घर से मिसिंग है, कहीं चले गई थी गुस्से में और वो तब से घर नहीं लौटी है, वो मिसिंग है। ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब वो इतने देर है ना ऐसे मतलब घर से बाहर रहे। फाइनली इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि बिंदास काव्या, आप जहाँ भी हो आप प्लीज अपने घर चल जाओ, क्योंकि आपके मम्मी डैडी का रो रो के यार बुरा हाल हो चुका है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बेसिकली यूट्यूबर यार गाइस, मैंने इस वीडियो को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सोचा, इसीलिए इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ। और बिंदास काव्या, उसे मैं तो प्लीज गुस्सा छोड़ दे पर घर पे आ जाओ, पापा और मैं बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं पापा, घर पे आ जा दीपू, पापा को देख, पापा बहुत रो रहे हैं, दीपू घर पे आ जा। आपके मम्मी डैडी का यार रो रो के बुरा हाल हो चुका है, आप जहाँ कहीं भी हो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो अपने घर चले जाओ। यार देखो, घर में कुछ थोड़ी मोड़ी बात होती है और थोड़ी मोड़ी बात होने से अगर घर छोड़ के चले जाओगे, घर वालों को परेशान करोगे, तो आपको यार मतलब क्या कितना ज्यादा परेशान हो जाता है घर वाला। यार आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्टली आप उस वीडियो पे जाके देख लेना कि उनके मम्मी डैडी कितना ज्यादा डिप्रेशन में, कितना ज्यादा परेशान है। तो इस वीडियो को मैं तुरंत झटाक से क्रिएट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को यार मार दिया गोली, यार कुछ नहीं बैकग्राउंड डायरेक्ट इस वीडियो को मैं अपने यहाँ पर अपने घर पे जस्ट यहाँ पर बैठ के मोबाइल देख रहा था सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पर यार उनका जो बिंदास काव्या जो खो गई थी उनका एक वीडियो आता है कि फाइनली वो घर से लापता, उनके मम्मी डैडी काफी ज्यादा परेशान थे। तो मैंने सोचा यार इस वीडियो को बनाना चाहिए यार, क्योंकि बिंदास काव्या यार छोटी लड़की है, ज्यादा उम्रदार तो नहीं है और वो अपने घर से लापता हो गई किसी कारण से। वो तो पूरा जानकारी नहीं पता कि क्या हुआ है उनके साथ। फाइनली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना यार और लोगों के पास पहुंचे, और कहीं भी बिंदास काव्या अगर किसी को पता चले तो प्लीज पुलिस में जाके इन्फॉर्म करना। प्लीज।